हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ के फिजिकल के बारे में। ठीक है, इसमें हम कुछ चार पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला रिज़ल्ट, फिर फिजिकल की डेट कब तक है, फिर फिजिकल की प्रिपरेशन कैसे करनी है, एंड देन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट किस चीज़ का, स्टडी का और फिजिकल वर्कआउट का। हम फिजिकल वर्कआउट के साथ साथ कैसे अपनी स्टडी को मैनेज कर सकते हैं, इसी चीज़ के ऊपर आज हम बात करेंगे। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट ही रखने की कोशिश करूँगा, जितना जल्दी से जल्दी हो सके मैं इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूँगा आपको। चलिए शुरू करते हैं रिजल्ट से। तो आपको बताइए कि पिछले महीने नवंबर में एग्ज़ाम हो चुका था और इसकी आंसर की भी तभी आ गई थी, 3-4 दिन बाद ही, लेकिन अभी तक कोई भी रिज़ल्ट नहीं आया है। आंसर की डन हो चुकी है, रिज़ल्ट का कोई नोटिफिकेशन अभी नहीं है। तो अभी आपको ये सोचना है कि सीपीओ से पहले हेड कांस्टेबल एंड एडब्ल्यू टीपीओ का एग्ज़ाम भी हुआ था, इनकी भी अभी डेट, रिजल्ट डेट या कोई भी रिज़ल्ट का नोटिस अभी नहीं आया है। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा हेड कांस्टेबल, फिर एडब्ल्यू ओटीपीओ और ड्राइवर वाला, इससे ड्राइवर वाला, फिर उसके बाद कहीं जाके हमारा सीपीओ का रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो अभी जो डेट्स पता करी हैं वो ये है कि जनवरी के 1st से 2nd वीक के अंदर रिज़ल्ट आने की संभावना है। उससे पहले पहले हेड कांस्टेबल और एडब्ल्यू इनका भी रिज़ल्ट आएगा, और जैसे ही रिज़ल्ट आएगा उसके बाद थोड़े दिन बाद ही रिज़ल्ट के सीपीओ की फिजिकल की डेट दे देंगे, और डेट के 20 से 25 दिन के अंदर आपका फिजिकल करा दिया जाएगा। तो ये लगा लीजिए अभी कितने, लगभग 2 महीने हैं अपने पास मान के चलो। ठीक है, तो 2 मंथ में प्रिपरेशन कैसे होनी करनी है, कुछ बच्चों ने स्टार्ट भी कर दी, कुछ अभी डाउट में होंगे कि हमारा आएगा नंबर या नहीं आएगा। तो कट ऑफ आपने देख ही ली होगी अलग अलग चैनल्स पे, अच्छी कट ऑफ एनालिसिस के बाद कई सारे टीचर्स ने डाल रखी है, तो आप वहाँ से कट ऑफ चेक कर सकते हैं कि कट ऑफ क्या रही है, और उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। तो प्रिपरेशन कैसे करनी है और कब करनी है, उससे पहले हमें ये देख लेना है कि कौन बच्चे प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट करें अपनी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट को जानने के बाद। तो ये पीडीएफ का ये एक पेज है जो मैंने नोटिस से निकाला है। तो इसमें सबसे पहले पीएचटी होगा आपका, ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसमें आपकी नपाई तुलाई होगी। तो हाइट की अगर हम बात करें तो मेल कैंडिडेट जो हैं उनके लिए 170 सेंटीमीटर, ये लगभग 5 फीट 8 इंच के आसपास हो जाएगी, और जो चेस्ट की नाप है वो अनएक्सपेंडेड यानी कि नॉर्मल जब आप खड़े रहोगे तब 80, ये सब सेंटीमीटर में यहाँ पे दे रखा है ऊपर सेंटीमीटर में, और एक्सपेंड करोगे तो 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंड होना चाहिए आपकी चेस्ट में, ये मेल कैंडिडेट के लिए। और कैंडिडेट कुछ स्पेशल रीजन जो इंडिया के स्पेशल रीजन हैं, जैसे कि कश्मीर हुआ या गोरखाज हुए या गढ़वालीज हुए, तो इनको हाइट में छूट दे दी गई है 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, और इनकी चेस्ट सेम है बिल्कुल बाकी सब नॉर्मल बच्चों की तरह। तो ऑल कैंडिडेट जो एसटी कैंडिडेट हैं, एसटी वाले, उनको और भी फ़ायदा है, वो 162.5 सेंटीमीटर हाइट दी है उनको, और 77 से लेके 82 तक का एक्सपेंड किया है। फीमेल कैंडिडेट को ज़्यादा हाइट नहीं है, 157, और जो कि हिल एरिया से बिलोंग करती है वो 155, 2 सेंटीमीटर और घटा दी गई हैं, और जो एसटी वाली फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए और थोड़ा कम, 154। तो ये काफ़ी रीजनेबल सा है हाइट का माप। ठीक है, तो ये सब अगर आपकी इतनी हाइट है तो आप फिजिकल के लिए और आपके मार्क्स कट ऑफ पार कर रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दें, बिल्कुल भी एक भी दिन वेस्ट ना करें। चलिए, इसमें एक चीज़ और है, तो वेट का ये एक
इशू रहता है बच्चों को कि वेट कैसा रखें। कुछ बच्चे थोड़े से मोटे हो जाते हैं, तुल तुले हो जाते हैं, लेकिन हाइट उनकी ठीक रहती है, चेस्ट भी ठीक रहती है, लेकिन वेट ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो वेट अपने 2-3 महीने में उसको घटा लें। ठीक है, अब बात करते हैं फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इसी के बेसिस पे हमें Tier 2 देने के लिए मिलेगा, अगर हमने ये पास कर लिया तो। ठीक है, तभी हम Tier 2 दे पाएंगे, अन्यथा नहीं, यहीं से हम टाटा बाय बाय। तो सबसे पहले मेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं, उनके लिए फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट क्या है। 100 मीटर की रेस है जो कि 16 सेकंड में आपको कवर करनी है। उसके बाद 1.6 किलोमीटर की रेस है जो कि 6.5 मिनट में आपको कवर करनी है, और यही हमारी सबसे इम्पोर्टेंट है। लगभग 80-85% बच्चे यहीं आउट हो जाते हैं। ठीक है, इस वाली रेस में, 1600 मीटर वाली में। इसके बाद आती है लॉन्ग जंप, ये 3.65 मीटर की लॉन्ग जंप है, जिसमें आपको 3 चांस मिलेंगे। अक्सर बच्चे को ये डाउट रहता है कि कितने चांस रहते हैं, तो हाई जंप और लॉन्ग जंप के लिए 3 चांस मिलते हैं। ठीक है, 3 चांस में आपको एक बार में एक ही क्लियर करना पड़ता है, और अगर आपने फर्स्ट में ही क्लियर कर लिया तो आपको बिठा दिया जाएगा, और नहीं किया तो 2 चांस और मिलेंगे। तो हाई जंप 1.2 मीटर की रहेगी। अगर फीट में बात करें तो ये लगभग 3.8 फीट के आसपास बैठेगी, और बाकी आप कैलकुलेट कर लेना। और ये बैठेगी लगभग 12-12.5, ठीक है, 12.5 फिट के आसपास बैठ जाएगी ये भी। अब शॉर्ट पुट है, ये बॉयज़ के लिए है, लगभग 4.5 मीटर में कहाँ हमें शॉर्ट पुट फेंकना है। वो एक गोला होता है, ऐसे गोला करके होता है, उसके स्टिंग बंधी रहती है, और यहाँ पे एक हैंडल रहता है, इसको पकड़ के फेंकना होता है, ये शॉर्ट पुट होता है। या फिर एक गोला रहता है, उसको हाथ हाथ में रख के तब फेंकना होता है। ठीक है, तो ये सिर्फ बॉयज़ के लिए है, ये गर्ल्स के लिए नहीं है। फीमेल्स के लिए एक बार देख लेते हैं। 100 मीटर की रेस है, यानी कि एक शूट है, 18 सेकंड में वो पार करना है, आप इजीली ये कर लेगी। लेकिन ये 800 मीटर की जो रेस है वो 4 मिनट में लगानी है। ठीक है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है फीमेल कैंडिडेट्स को। लॉन्ग जंप 2.7 मीटर, लगभग 9 फीट के आसपास, और 0.9 मीटर 3 चांस में। ठीक है, ये आपकी हाई जंप है बस, इसमें आपको शॉर्ट पुट नहीं है। तो ये कोई गर्ल्स के लिए कोई चेस्ट की मेजरमेंट नहीं होती है कहीं भी, किसी भी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में, और बॉयज़ के लिए मैंने आपको बता ही दिया है। तो अब बात आती है कि फिजिकल की प्रिपरेशन कैसे करें, तो चलिए इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो मेन आपकी क्या है, सबसे फर्स्ट 1600 मीटर की रेस है, जो कि आपको 6:30 के अंदर कंप्लीट करनी है। दूसरी है 100 मीटर की रेस, जो कि आपको 14 सेकेंड्स के अंदर कंप्लीट करनी है। थर्ड है आपका लॉन्ग जंप, फोर्थ है आपका हाई जंप। ठीक है, तो जो सबसे मेन फोकस आपका रहना चाहिए हमेशा इस वाले पर। ठीक है, ये इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, 1600 मीटर वाली रेस पर। अब 1600 मीटर रेस है, तो इसका मीनिंग ये नहीं कि आप सिर्फ 1600 मीटर की प्रैक्टिस करेंगे, नहीं। आपने काफ़ी दिन से हो सकता है वर्कआउट ना किया हो, ठीक है, आपने कोई एक्सरसाइज नहीं करी हो कभी जीवन में, तो आपको फिजिकल के साथ साथ अपने मेंटल स्टेट पे भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीज़ आपको देखनी पड़ेंगी, आपको अपना मन भी मजबूत करना पड़ेगा, आपको अपना तन भी मजबूत करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको मन को सबसे पहले समझाना है कि 1600 मीटर है, तो उसके लिए आपको बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ डेवलप करनी पड़ेगी। स्ट्रेंथ डेवलप कैसे होगी, जब आप वर्कआउट थोड़ा सा ज़्यादा करोगे, बिल्कुल ज़्यादा भी करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, वर्कआउट ज़्यादा करना पड़ेगा आपको, तो 1600 मीटर रनिंग तभी आपकी 6.5 मिनट में आ पाएगी। जब आपके अंदर स्ट्रेंथ होगी, स्टेमिना होगा, तभी आप इसको कंप्लीट कर पाओगे। तो पहले का 1 महीना, 1 मंथ आपको किस पे ध्यान देना है, स्ट्रेंथ पे। ठीक है, स्ट्रेंथ कैसे आएगी, जब आप लगभग 3-4 किलोमीटर पर डे रनिंग करोगे। आपको ना अभी स्पीड पे ध्यान देना है,
ठीक है ना, अभी टाइम पे ध्यान देना है आपको, सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान देना है, स्ट्रेंथ और स्टेमिना पर। ठीक है, तो आप शुरुआत कर सकते हैं, सबसे फर्स्ट डे आप सिर्फ 1 किलोमीटर लगाओ, फिर 3 से 4 दिन 1 किलोमीटर, फिर धीरे धीरे 500-500 मीटर हर हफ्ते बढ़ा दो। ठीक है, और इसको खींच के लेके जाओ 5 किलोमीटर तक। ओके, तो जैसे ही आपका 1 महीना पूरा होगा आप 5 किलोमीटर रनिंग आराम से लगाने लगेंगे, और आपको ये 500 मीटर वाला जो क्राइटेरिया है ये हमेशा हर हफ्ते बढ़ाते रहना है। ठीक है, आपने फर्स्ट वीक में 1 किलोमीटर लगाई और इसको सेकंड वीक तक 500 मीटर बढ़ा दिया, और ये सेकंड वीक में आपने फिर 500 मीटर बढ़ा दिया, तो 2 किलोमीटर आप 2 वीक में लगाना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो इसको एक 2 वीक्स में 2 किलोमीटर तक जाना है, 3rd वीक में फिर हमें 500 मीटर बढ़ा देना है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2.5 किलोमीटर तक। फिर 4th वीक में आपको 3 किलोमीटर तक हो जाएगी। अगर आप जैसे ही आपका ये 4th वीक आएगा, आप उसी समय 4th वीक में आपको 500 की जगह 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा लगानी है, तो ये आपका 4 किलोमीटर हो जाएगा, और 4 वीक में यानी कि वन मंथ के अंदर आपका 4 किलोमीटर का एवरेज आ जाएगा डेली रनिंग का। ठीक है, अब इसी के साथ साथ आपको अच्छी डाइट भी फॉलो करनी पड़ेगी, गुड डाइट, तो डाइट का बहुत ज़रूर ख्याल रखना है। ठीक है, हेल्दी खाना खाना है, और इस तो आपको हेल्दी डाइट भी रखनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, उसके बाद आप टाइम लगाना स्टार्ट कर दें और 1600 मीटर डेली रनिंग स्टार्ट करें। 1 महीने के बाद आपको ये स्टार्ट करनी है। ठीक है, फिर आपकी रनिंग हो जाएगी कंप्लीट। अब मैनेजमेंट कैसे करें टाइम का, तो कम से कम आपको 2 से 3 घंटे तो फिजिकल वर्कआउट के लिए देने पड़ेंगे। ओके, फिजिकल वर्कआउट के लिए 2 से 3 घंटे देने पड़ेंगे, और यदि आप सिर्फ CPO के Tier 2 की ही एग प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो आपको 5 से 6 घंटे इनफ है प्रिपरेशन के लिए इंग्लिश की। और यदि आप CGL या फिर कोई और से एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इंग्लिश को ज़्यादा टाइम देना है आपको, इंग्लिश को प्रायोरिटी पर रखना है, फर्स्ट प्रायोरिटी पर, और बाकी सब्जेक्ट को 2-2 घंटे का आप टाइम दे सकते हैं। ठीक है, ये 2 चीज़ आपकी प्रायोरिटी में रहेंगी यदि आप CPO को देना चाहते हैं। CPO तो देना ही है खैर, तो इसलिए आपको 2 चीज़ों को प्रायोरिटी में रखना है, फिजिकल वर्कआउट और Tier 2 की के लिए इंग्लिश की स्टडी। देन फिर आपकी मैथ रीजनिंग हो गई, वो CGL के लिए आप पढ़ सकते हो 2-2 घंटे एक्स्ट्रा इसके बाद देके। ठीक है, तो ये आपका टाइम का मैनेजमेंट रहेगा। इस वीडियो को थोड़ा सा लंबा कर दिया है मैंने, शॉर्ट करते हुए भी, तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा सब कुछ। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।